जिले में गरीब व्यक्ति को उसकी जली हुई गाय के एवज में सरकारी मुआवजा दिलाने के लिए लेखपाल द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों द्वारा जांच पड़ताल पर उचित कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। वीडियो में यह भी दिखाई दे रहा है कि रुपये देने के बावजूद भी गरीब व्यक्ति लेखपाल के सामने गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो बलिया जिले के रसरा तहसील क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर बहुड़वा गांव का है। गांव के रहने वाले गरीब व्यक्ति की गाय आग लगने के चलते जल गई थी। गाय जलने के बाद दलित व्यक्ति द्वारा मुआवजा के लिए गांव में तैनात लेखपाल सुनील तिवारी के संपर्क किया गया था। इसके लिए लेखपाल ने दलित व्यक्ति से 10,000 रुपये की डिमांड की और कहा कि रुपये देने के बाद उसे मुआवजा मिल जाएगा। यह भी बात सामने आ रही है कि दलित व्यक्ति द्वारा इस मामले में मुआवजा प्राप्त करने के लिए कर्ज लेकर लेखपाल सुनील तिवारी को 5,000 रुपये दे दिए। रुपये देने के बावजूद भी लेखपाल द्वारा रुपयों की डिमांड की गई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि रुपये देने वाला व्यक्ति रुपयों की विनती करने के बाद लेखपाल के हाथ में सौंप रहा है। उसके बाद लेखपाल उससे और रुपये की डिमांड कर रहा है। लेखपाल को रुपये देने के दौरान वहां पर मौजूद किसी शख्स द्वारा इसका वीडियो बना लिया गया। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लेखपाल और उसके साथ एक अन्य व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर पहले दलित के घर चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद उस व्यक्ति द्वारा लेखपाल से रुपये कम करने की बात कही जाती है। बाद में वह व्यक्ति 5,000 रुपये लेखपाल को दे देता है। लेखपाल रुपये लेकर और रुपये की डिमांड कर रहा है। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति द्वारा इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। कहाँ सलेम पकड़ा।